तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे, फिट होंगे। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी न्यू वीडियो में। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता लग गया होगा, हमारी OB26 की अपडेट आ चुकी है और एडवांस सर्वर भी हमें मिल चुका था। लेकिन भाई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम में बिजी होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियात की वजह से भाई मैं वीडियो जल्दी नहीं डाल पाया। सबसे पहले उसके लिए सॉरी। अभी हम भाई अपने एडवांस सर्वर का फुल रिव्यू करने वाले हैं। उससे पहले भाई, हमेशा की तरह आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक मार देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल को भी ऑल पर चिपका लेना, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भाई, एडवांस सर्वर का फुल रिव्यू यहाँ पे हम करने वाले। पहले तो यार आई एम सतमा, जो कि रिसेंटली आपको सभी को पता होगा यार हमारा इवेंट चल रहा है, तो उसी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई की हैं। तो पहले यार मैं आपको बता दूं, जैसे भी एडवांस सर्वर आता है उसमें दिखाया कुछ जाता है, लेकिन हमारी जो OB26 की अपडेट आएगी, लेकिन उसमें इनमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। तो भाई, जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल वाली जो चीज़ें हैं उनका मैं रिव्यू कर रहा हूँ, उनमें काफ़ी ज़्यादा यार नई चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं। कम डायमंड्स में भी आई हैं, ज़्यादा डायमंड्स में भी आई हैं। तो ये बाइक इस तरह से यार सारी की सारी व्हीकल्स की स्किन अवेलेबल करवा दी जाती है। लेकिन भाई साहब, जब हमारी OB26 की अपडेट आएगी तो ये काफ़ी ज़्यादा इनमें से इवेंट्स होंगे यार हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमें एक लूट बॉक्स नया देखने को मिल गया, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और ये कॉस्ट्यूम यार काफ़ी ज़्यादा रीजन में अवेलेबल हुआ और काफ़ी ज़्यादा में नहीं हुआ। और भाई साहब, यहाँ पे हमारा न्यू पैट देखने को मिल गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 डायमंड का, जो कि यार मतलब एडवांस सर्वर में ही 10 डायमंड का। वैसे तो आपको यार काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में तो डायमंड लगाने होंगे। तो भाई, ओवरऑल पैट देखने में अच्छा खासा लग रहा है, क्योंकि यार काफ़ी डिफरेंट लुक दी गई है और हवा में उड़ रहा है, ड्रैगन टाइप सा कुछ है यार, इसके विंग्स वगैरह निकले हुए हैं। लेकिन भाई, अगर इसी वीडियो में मैं इसका रिव्यू करने बैठ जाऊँ तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इस वजह से यार जो कि रिव्यू वाला काम होगा वो अलग ही वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो यार, मतलब डायरेक्टली कॉस्ट्यूम, मतलब अच्छे खासे कॉस्ट्यूम हमें डायमंड्स में अवेलेबल करवा दिए गए हैं, जो कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा यार कॉस्ट्यूम जो है लेजेंडरी भी हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट्यूम जो है वो नॉर्मल भी है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये सेंटा वाला जो जिसकी वाइट कलर की दाढ़ी है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रेयर भी काउंट किया जाता है हमारे रीजन में खासतौर पर। अलावा गाइज, यहाँ पे हमारे पास हमारा न्यू करेक्टर देखने को मिल गया, जो कि शेरू के नाम से अवेलेबल करवाया गया, जो कि यार इसका रिव्यू भी हम अलग से एक वीडियो में बना देंगे। काफ़ी यार मतलब सही इसकी लुक दी गई है। ओवरऑल मुझे जितना इसके बारे में पता है भाई साहब, ये एक UFC रेसलर हो सकता है। UFC, अगर आपको नहीं पता होगा भाई, वो ओरिजिनल फाइट होती है, बिल्कुल ओरिजिनल फाइट होती है, जो कि हमारी WWE होती है वो फेक फाइट होती है, वो शो मैच होता है, और ये जो होती है ये बिल्कुल ओरिजिनल फाइट होती है। तो भाई साहब, जैसा कि हमारा रोनाल्डो आया था उसको मिस्टी करेक्टर का नाम दिया गया था, यहाँ पर एक और करेक्टर आ चुका है जो कि मेरे ख्याल में रोनाल्डो और अलोक को भी टक्कर देने वाला है। इसको भी रिवील नहीं किया गया भाई एडवांस सर्वर में, ये भी राज जो है हमारा OB26 की अपडेट के बाद ही हमें पता चलने वाला है, जो कि यार काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। क्या पता है भाई ये सलमान भाई को ले आए, पता नहीं, कोई पता नहीं है भाई, किसी को भी उठा के ला सकते हैं, फ्री फायर हर एक काम करना जानती है। तो भाई, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं डेली स्पेशल में, कुछ अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। और भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे रिडीम स्टोर की, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है। रिडीम स्टोर भाई सभी को इसका वेट रहता है, और भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ दिखाया जाता है भाई, सिर्फ दिखाया ही जाता है हमारे सर्वर में, दिया बहुत मुश्किल से जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यार काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम, जितने भी यार मैजिक क्यूब में पॉसिबल हो सकते हैं वो एडवांस सर्वर में पकड़ के घुसा देते हैं ये लोग, लेकिन भाई हमारे सर्वर में कुछ भी देखने को नहीं मिलता बाद में। अभी भाई यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मतलब हर एक जो भी जिस तरह का भी लेजेंडरी, जैसे कि भाई हमारा ये जो कॉस्ट्यूम है, ये जो इतना खतरनाक कॉस्ट्यूम है, 2 आर्टिक ब्लू और ब्रेक डांसर के बंडल, ये भी यहाँ पे हमें दिखाए जाते हैं। और भाई फ्री फायर टोकन में अगर बात की जाए तो फ्री फायर टोकन में कुछ ज़्यादा नई चेंजिंग देखने को मिली नहीं है, कोई भी इतना खास और नया कॉस्ट्यूम यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा। और भाई यहाँ पे बात करें रैंक टोकन की, वो भी अभी यहाँ पे नहीं चेंज हुए, वो भी हमारी OB26 की अपडेट के बाद हमें पता लगने वाले हैं। और भाई यहाँ पे हमें गिल्ड टोकन में भी कुछ भी नहीं दिखाया गया, और क्रेट्स में यार मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें अवेलेबल करवाई गई हैं, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंट क्रेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो भाई हमारा यहाँ पे यार जो नया करेक्टर है जिसकी पैसिव स्किल दिखाई जाती है वो
काफ़ी मतलब अच्छा है देखने में, उसका जो अपना स्टाइल है वो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब जोकर टाइप बना हुआ है। भाई ये तुम्हारा क्या काम है यार, तुम्हारा काम तो है जंग करने से। और भाई इसका कॉस्ट्यूम भी है जो काफ़ी अच्छा है, मतलब अभी एडवांस सर्वर में भी ओपन नहीं किया गया, अभी एडवांस सर्वर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो अनलॉक नहीं की गई। भाई अभी ऐसा ऐसा एडवांस सर्वर भी जो है अपडेट हो रहा है, अभी एडवांस सर्वर भी 3-4 दिन लगा के फुल अपग्रेड होगा और फुल चीज़ें हम दिखा सकेंगे आप लोगों को। जैसे ही भाई मैं अपने जो कुछ मसरूफियात है उनमें से निकल के फ्री होता हूँ तो भाई मैं आपको एक एक चीज़ का रिव्यू करके दिखा दूंगा। फिलहाल तो भाई हमारा जो इसका कॉस्ट्यूम है ये सामने काफ़ी अच्छा है यार, मतलब काफ़ी सही कॉस्ट्यूम है यार इसका निकल गया है यार। ये उम्मीद करता हूँ ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक UFC का रेसलर होगा शेरू, लेकिन भाई मुझे पूरा कंफर्मेशन नहीं है, 100% कंफर्म नहीं है कि भाई ये पक्की है बात है कि ये वही बंदा होगा। मैं अपना अंदाजा लगा रहा हूँ क्योंकि यार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो भाई यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो कि हमारी लॉबी है, जो कि हमारी अपकमिंग लॉबी है वो बिल्कुल ये UFC रेसलिंग वाली रिंग बनाई गई है यहाँ पे। तो भाई इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं या तो हमारा ये जो शेरू है ये UFC रेसलर है, या तो हमारा जो मिस्ट्री कैरेक्टर है उनमें से कोई, इन दोनों में से यार कोई ना कोई UFC रेसलर तो होगा क्योंकि ये रिंग जो है ये UFC वाली रिंग है जिसमें ओरिजिनल फाइट की जाती है। भाई आज की वीडियो में इतना ही था, अगर चैनल पे नया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को ऑल पे चिपका लेना ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इवेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।